रुको जरा, सबर करो। हेलो, नमस्ते दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप सभी का? शादी का नाम सुनकर लोगों के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। सभी चाहते हैं कि हम अपनी शादी में कुछ ऐसा करें जिससे हमारी शादी यादगार बनी रहे, और इसी चाहत में कुछ लोग ऐसे ऐसे कांड कर बैठते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे भगवान, इस वीडियो में हम आपको एक से एक नमूनों का शादी दिखाने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आप अपनी शादी करने का सपना देखना ही छोड़ देंगे। तो फिर देर ना करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। चलो, क्या सीन है, ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। दोस्तों, सबसे पहले मिलिए इस दूल्हे राजा से। भाई को इतनी सुंदर बीवी मिल गई कि खुशी के कारण अपने पूरे महीने के सैलरी से लगे पत्नी का आरती उतारने। अब आप ही बताओ, आरती जब दिखाओगे तो वहाँ पर शादी के लिए तो मार होगा ही, फिर आगे देखिए क्या होता है। आजकल के शादियों में दुल्हन को इतना मेकअप कर दिया जाता है कि कभी कभी इनको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। नहीं विश्वास होता तो इस वीडियो को ही देख लीजिए। यह भाई साहब अपनी पत्नी को इतना घूर घूर कर देख रहे हैं जैसे कि इनकी पत्नी नहीं हो। तो कौन था ये? तो क्या था ये? गया कहाँ? अब हम आपको जिस क्लिप को दिखाने वाले हैं, उसे देखने के बाद आप बोलेंगे, ये मोमबत्ती में अगरबत्ती कौन खोस दिया है बे? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। अरे बाबा, देखने से ऐसा लगता है कि दूल्हे राजा पक्का जिला अधिकारी होगा, तभी तो हीरे की हरी भरी खान में कोयला टपका है। इस दूल्हे ने कसम खाई थी कि जिस दिन इसकी शादी हो जाएगी, यह भरे रोड पर एक टांग उठाकर नाचता रहेगा। तो बस भाई साहब शुरू हो गए। देखने से लगता है कि दहेज में ससुर ने जमीन के साथ साथ अपनी दुकान भी दे दी है। अरे बाबा, अब इस दूल्हे राजा को देखिए, जिसे देखने के बाद आप बोलेंगे कि भाई ने जरूर पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम किया था। देखकर शौक मत हो जाओ, ये तो बाय वन गेट वन ही है। बट अब आपको दिखाते हैं बाय वन गेट टू। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे बाबा, हे भगवान, कुछ हम लोगों के लिए भी बचा कर रखो, सारी कृपा इसी पर कर दिया। अच्छा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बताओ, हमारे में क्या कमी रह गई थी कि इस दीदी ने दादा को चुना? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके होने वाले बच्चे इन्हें क्या बोलेंगे। वैसे आपको लगता है क्या कि इस सूखे हुए खजूर से कोई बच्चा होगा? दोस्तों, शादियों में सबसे ज्यादा जो खुश होता है वो है दूल्हा, और इस खुशी के चक्कर में वो क्या क्या कर देता है उसे खुद नहीं पता होता, जैसे कि अब आप इस वीडियो को ही देख लीजिए। रुको जरा, सबर करो। देखिए धगराएं से काट रही है ओम को। ले भैया ओम को। इन जनाब की अभी अभी शादी हुई है, पर इन्हें अपनी बीवी से ज्यादा साली पर प्यार आ रहा है, और वो भी इस कदर की अपनी ही पत्नी और पूरे बराती के सामने उसे गोद में भी उठा लिया। जियो सर जियो, अब तो तुम्हारी खैर नहीं है दूल्हे राजा जी। अब इस दूल्हे राजा को देखिए, जिसने शिकार के मामले में मगरमच्छ को भी पीछा छोड़ दिया है। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के
तब से वापस आ सकता हूँ। वहाँ तो दूल्हे राजा मौत को छूकर टक से वापस आ गए, बट यहाँ ये दूल्हा मौत को छूने से ही डर रहा है। अब हम आपको दुल्हा दुल्हन से खचा खच भरे मंडी दिखाने वाले हैं, जहाँ पर भाई खुदरा और थोक दोनों मात्रा में दुल्हा दुल्हन किलो पर मिलते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? कौन है? कहाँ से आते हैं? दोस्तों शादी में कभी कभी दूल्हा इतना खुश हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता है कि वो कर क्या रहा है। जैसे कि अब इसी दूल्हा को ही देख लीजिए। भाई मैं गॉड से मेरे और आप सभी लोगों के लिए इतना ही प्रे करना चाहता हूँ कि जिंदगी में मौत आ जाए, पर शादी के दिन इतना कॉन्फिडेंस कभी ना आए। इस फिल्म में अकेला नहीं है बे, इसमें भी दर्जन के भाव में दूल्हे हैं। जैसे कि अब इसे ही देख लीजिए, शादी करके ये लौंडा इतना खुश हो रहा है कि नाचते नाचते पूरा पागल हो गया है भाई। रुको जरा, सबर करो। इसका डांस देखकर लग रहा है कि इसके अंदर चुड़ैल की आत्मा नहीं बल्कि किसी कुत्ते की आत्मा समा गई है। बताओ, टोपी कहीं और फेंक दिया, जूते कहीं और फेंका और लगा पागलपंती वाला डांस करने। मुझे नहीं लगता है कि ये सब देखकर दुल्हन अभी इसके साथ रहेगी। अब यहाँ देखिए, देखने से लग रहा है कि दूल्हे घोड़ी पर सवार है और उसका दो निकम्मा दोस्त अपने दोस्त के कंधे पर बैठकर डांस कर रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद लाल रंग का टोपी पहने इस भाई साहब को कुछ ज्यादा ही डांस करने की चुल मचती है और ये चढ़ जाता है घोड़े पर। फिर उसके बाद जो होता है उसे देख आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। दोस्तों कुछ लोगों को शादी से ज्यादा अपने फोटो और वीडियो खिंचवाने की पड़ी रहती है, जैसे कि मोहतरमा को पड़ी है। ये अपने दूल्हे की तरफ कम और कैमरामैन की तरफ ज्यादा देख रही है, वो भी इतने गुस्से में कि बस कैमरामैन भाई साहब को अभी निकल जाएगी। आपको लग रहा होगा कि इस बहन में किसी चुड़ैल की आत्मा समा गई है, बट ना 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 भैया ना, चुड़ैल की आत्मा नहीं समाई है। दीदी बहुत चलाक है, शादी के बाद पति कुछ नहीं बोल पाए इसलिए पहले से ही अपने गुस्से की हद दिखा रही है, ताकि दूल्हे भाई साहब शादी के अगले दिन से ही डर कर रहे। अब आप इन मोहतरमा को देखिए, अपने शादी पर इनका मुंह इस तरह बना है जैसे लग रहा है कि मम्मी पापा ने इस लड़के के साथ जबरदस्ती रिश्ता करा दिया हो। अरे महान, अब जब गंगा में खुद गई हो तो नहाना तो पड़ेगा ही, इतना गुस्सा दिखाने से अब क्या फायदा। ये वही लड़कियां होती है जो हम जैसे सुंदर और सिंगल लौंडों को इंस्टाग्राम पर ये बोलकर ब्लॉक कर देती है कि तुमसे अच्छा तो मेरा होने वाला बाबू होगा। बाबू। तो लो मिल गया ना बाबू, करो अब जिंदगी भर बाबू को काबू। दोस्तों शादी करते समय लोग दूल्हे की बुरी हरकतों को छिपाते हैं फिर शादी करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखिए, इसमें मामला अलग है भाई। यह भाई साहब पहले ही बता चुके हैं कि वो खैनी का नाशा करते हैं, इसलिए तो ये स्टेज पर बैठकर पूरे कॉन्फिडेंट में खैनी का सेवन कर रहे हैं। अब इसे देखिए, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे खोदा पहाड़ तो निकला चूहिया, बट भाई यहाँ चूहिया नहीं बल्कि सांड निकलता है। सांड ब्यूटीफुल
मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब इसे देखिए जिसे देखने के बाद लगता है कि भाई ने पूरे दहेज के पैसे से माला ही बनवा लिया है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। खैर ये सब तो ठीक है, बट आपने एक चीज नोटिस किया है, इधर शादी की तैयारी चल रही है और सभी लोग दूल्हे और दूल्हे का माला देखने में व्यस्त है, बट यहाँ ये ताई पता नहीं किसके जूते रगर रगर कर साफ कर रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। चलिए अब आपको मिलाते हैं आज की फिल्म के एक दूसरे हीरो से, जिसने अपने शादी के दिन पर चार चांद लगा दिया है और उसके बाद इस भाई ने जो कमर लचकाई है उसका क्या ही कहना। दोस्तों इंडियन शादी हो और उसमें कमर तोड़ डांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इस लौंडे को ही देख लो जो कतई शराब के नशे में लेट लेट कर मुर्गा डांस कर रहा है। शादी में डांस का तड़का लगा चुके अब इनसे मिलिए, इनका डांस देखकर आप बस यही कहेंगे कि कौन सी बिजली भाई के बॉडी में भड़क रही है। अब इस चाचा को देखिए कैसे कुर्सी को अपने पैर में फंसाकर डांस कर रहे हैं, इनका खुशी और डांस देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके भतीजे का शादी नहीं बल्कि इनका खुद का दूसरा शादी हो रहा हो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब आपको मिलाते हैं सपेरा भाई से जो दूल्हे के साथ घोड़े पर बैठकर कुछ ज्यादा ही छटपटाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं, तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। वाह क्या खतरनाक डांस किया इस भाई ने, डर के कारण दूल्हा का पूरा हालत खराब है, दूल्हा सोच रहा होगा कि किस नमूने को बैठा लिया अपने साथ। अब यहाँ जयमाला हो रहा है इस दूल्हे दुल्हन को देखिए, जब कोई पीछे से बोलता है दुल्हन को माला पहनाने के लिए तो यह एटीट्यूड में पहनाती है, वही जब दूल्हे राजा की बाहर आती है तो देखिए क्या करता है। डालो माला, अरे कमरे के डालो, अभी बदत है भाई, अभी बदत है, आप उड़ालो। दोस्तों बच्चों को जब एक से ज्यादा लड्डू मिल जाता है तो बच्चे खुश होकर उछलने और कूदने लगते हैं, उसी तरह अब इन चाचा को देखिए, ये जनाब जैसे ही लड़की के गले में वरमाला डालते हैं पता नहीं कहां से इनके अंदर का छिपा फौलादी डांस जाग उड़ता है, उसके बाद जो होता है आप ही देखिए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? इन चाचा को दो लड्डू तो नहीं मिला पर लगता है चाचा को इस बात से ज्यादा खुशी है कि चलो मुझे जैसे सरे आलू को कोई तो पसंद किया। आप जहाँ पर बैठे हुए हैं अब थोड़ा संभल कर बैठिए क्योंकि अब जिस वीडियो को हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें तो दुल्हन दीदी ने कमाल ही कर दिया। देखिए जैसे ही दूल्हे का दोस्त वरमाला को पहनाने के लिए दुल्हन को गोद में उठाता है तो लड़की को भी उठाने पीछे से फूफा जी आते हैं और उठाकर वरमाला दूल्हे को पहनवा भी देते हैं, पर जमीन पर आते ही दीदी जो करती है आप ही देखिए। Yeah.
भगवान। दीदी ने थप्पड़ जरा वो तो समझ आया, पर इस फूफा जी ने फुआ को जो भरे स्टेज पे गुस्सा में थप्पड़ मारा, ये बढ़िया था गुरु। अब मिलिए इन दीदी से जो अपने शादी में अपने क्लोज फ्रेंड से मिलकर इतना खुश हो जाती है कि स्टेज पर कैमरा के सामने ही अपनी दोस्ती की गहराई दिखाने लगती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब यहाँ देखिए, इन दोनों का एनिवर्सरी था जिसमें चाची चाचा को ललचा केक खिलाती है, पर चाचा हमारे ठहरे पुराने जमाने का आदमी, फिर देखिए आगे क्या करते हैं। हम संतोष पागल नहीं। दोस्तों शादी में बिन बुलाए लोग आकर कब खाकर चले जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है, पर यहाँ बिन बुलाए मेहमान इतना तेज है कि दूल्हे के साथ साथ दुल्हन के भी सिर पर चढ़ जाता है और लोग बस चिल्लाते रह जाते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे बाबो, बाबो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। ये फनी इंडियन वेडिंग पार्ट 3 था, सो पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। वैसे आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।